देश की राजधानी में चुनावी रण अब और भी दिलचस्प हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन को नई धार मिल गई है। ऐसे में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर हमले करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जेल से निकलते ही परिवार के साथ हनुमान जी, शिव जी और शनि महाराज की पूजा की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, गोपाल राय, संजय सिंह और कई आप नेता मौजूद थे। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि हनुमान जी की हम पर विशेष कृपा है, इसलिए मैं अचानक आपके बीच हूँ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगा, बीजेपी पर और खासतौर पर पीएम मोदी पर आक्रामक होते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी महज 10 साल पुरानी एक छोटी सी पार्टी है, लेकिन इसे कुचलने में और खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के टॉप 4 नेता जेल भेज दिए, सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक सोच है, जितना खत्म करने की सोचते हैं उतनी बढ़ती है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, अभी 4 चरण बाकी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मैदान में आ जाने से विपक्षी इंडिया गठबंधन को नई शक्ति मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव कैंपेन में उतरकर आम आदमी पार्टी में नई जान फूंक दी है। अपने मुखिया को अचानक अपने बीच पाकर आपके कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल के आने से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी राजनीतिक समीकरण में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में अभी मतदान होना है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है। यहां से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहां 1 जून को मतदान है। इन दोनों राज्यों के अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहां दिल्ली के साथ ही 25 मई को वोटिंग है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का चुनावी कैंपेन में उतरना इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी का काम करेगा। माना जा रहा है कि इन 18 सीटों पर केजरीवाल का चुनावी कैंपेन करिश्माई साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें गुजरात और असम की 2-2 सीटें यानी कुल 4 सीटें पहले से ही वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी बची 18 सीटों पर पार्टी का पूरा फोकस है। ऐसे में केजरीवाल का चुनावी कैंपेन में आना आपके लिए संजीवनी और बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर केजरीवाल की रणनीति आम जनता के दिल में छाप छोड़ती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विजय रथ पर सवार होते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टोरी हाउ।